अल्फ्रेडो जेम्स पैकिनो एक अमेरिकन एक्टर है। 20th सेंचुरी के सबसे बड़े और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। पैकिनो को अनेक सम्मान मिले हैं, जिसमें एक एकेडमी अवार्ड, दो टोनी अवार्ड्स और दो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स शामिल है। अल्फ्रेडो जेम्स पैकिनो को अप्रैल 25, 1940 को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन के ईस्ट हार्लेम मोहल्ले में जन्मा गया था, जो कि एक इटालियन अमेरिकन माता पिता रोज और सिल्वेस्ट्रोन पैकिनो के एकमात्र बच्चे थे। अपने जवानी के दिनों में पैकिनो अपने दोस्तों के बीच सोनी के नाम से मशहूर थे। उन्हें बेसबॉल प्लेयर बनने की ख्वाहिश थी और उनका दूसरा नाम दी एक्टर था। उन्होंने हरमैन राइडर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही अपने इंग्लिश के अलावा के कुछ क्लासेस छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने ऑडिशन के मैडहम से हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रवेश लिया। उनकी माँ उनके फैसले से सहमत नहीं थी और एक झगड़े के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। अपने अभिनय के अध्ययन को विटी रूप से समर्थन देने के लिए पैकिनो ने मैसेंजर, बस बॉय, जेनेटर और पोस्टल क्लर्क जैसे कम सैलरी वाले नौकरियां की। साथ ही कमेंट्री के लिए मेलरोम में भी काम किया। पैकिनो ने अपने करियर के शुरुआत में नशा और शराब का सेवन करने के आरोप में अपने आप को माना है, खासकर कि जब उन्हें गॉडफादर के बाद सडन फेम मिली, जिसके सामने उन्हें कोप करना मुश्किल था। उन्होंने 1977 में सोबर्टी हासिल की। अल्फ्रेडो जेम्स पैकिनो एक अमेरिकन एक्टर और फिल्म मेकर है, जिन्हें सबसे महान एक्टर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें एक एकेडमी अवार्ड, दो टोनी अवार्ड्स और दो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स शामिल है। पैकिनो का करियर 1960 के आखिरी दशक और 1970 की शुरुआती दशक में माइकल कॉर्लियोन के रूप में गॉडफादर फिल्म सीरीज के ब्रेकआउट रोल से शुरू हुई। उन्होंने कई तारीफों के साथ फिल्में की, जिसमें सेरपिको, डॉग डे आफ्टरनून, स्कारफेस और सेंट ऑफ ए वुमेन शामिल है, जिसके लिए उन्होंने अपना एकेडमी अवार्ड जीता। उनके फिल्म के अलावा पैकिनो ने स्टेज करियर में भी कामयाबी हासिल की, जिसमें डज ए टाइगर वेयर ए नेकटाई और द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ पावलो हमेल के परफॉर्मेंसेस के लिए उन्हें टोनी अवार्ड मिल चुके हैं। पैकिनो ने अपनी करियर के दौरान फिल्में और स्टेज पर अभिनय करना जारी रखा है और लुकिंग फॉर रिचर्ड और चाइनीज कॉफी जैसे कई फिल्में भी निदर्शित की है। ओवरऑल पैकिनो की करियर 5 दशक से अधिक समय तक चली है और उन्हें हॉलीवुड में सबसे माननीय और सफल एक्टर्स में से एक के रूप में माना जाता है। पैकिनो के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी जूली मैरी उनकी एक्टिंग कोच जैन टेरेंट के साथ है। उनके ट्विंस है बेटा एंटोन जेम्स और बेटी ओलिविया रोज, जिन्हें एक्ट्रेस बिवरली डी एंजिलो के साथ है, जिसके साथ उनका रिश्ता 1997 से 2003 तक चला। उनकी कभी शादी नहीं हुई है। मई 2023 तक पैकिनो अपनी गर्लफ्रेंड नूर अल्फला के साथ अपना 4वां बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ तो 83 साल की उम्र में पैकिनो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे बड़े बाप में से एक हो गए। अल पैकिनो एक स्टेज और स्क्रीन के अमेरिकन एक्टर है, जिनकी नेटवर्थ 120 मिलियन डॉलर्स है। 5 दशक से ज्यादा समय तक चला हुआ करियर के साथ अल पैकिनो सबसे बड़े एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। अल पैकिनो ब्रेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनके ब्रेवरली हिल्स के रेसिडेंस के पिछले 10 सालों से एक मैंशन है, जो उन्होंने किराए पे दे दिया है। पैलिसेड्स न्यूयॉर्क के टाउन में उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अल पैकिनो ने कभी कभी न्यूयॉर्क सिटी में भी प्रॉपर्टीज खरीदी है, लेकिन हाल ही में कुछ सालों से वो इन सारे प्रॉपर्टीज को किराए पर देने लगे हैं। अल पैकिनो के कार कलेक्शन में कई सारे लग्जरियस कार्स शामिल है, जिसमें एक्सपेंसिव ब्रांड्स के कार्स मौजूद है, जैसे रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज से लेकर फरारी और लैम्बोर्गिनी भी शामिल है। अल पैकिनो के पूरे कार कलेक्शन की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए के आसपास है।